एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एलकेजी इंग्लिश वर्कशीट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द मिसिंग लेटर। यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स मिसिंग लेटर दिए गए हैं जो हमें जिन्हें बच्चों से फिल करवाना है। यहाँ दिया हुआ है जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है, ई एफ जी, एच है, I, J, K, L, M, N, O दिया हुआ है, P, Q, R दिया हुआ है, S, T, U दिया हुआ है, B, यहाँ W, X दिया हुआ है, Y। क्वेश्चन नंबर सेकंड, find the vowels in each row and write in a given box। प्रत्येक रो में यहाँ पे अल्फाबेट दिए गए हैं जिनमें से हमें वोवेल्स को छांट के यहाँ बॉक्स में फिल करना है। जैसे हमारा ई एफ जी एच, हमारा वोवेल्स यहाँ पे ई है। यहाँ पे ई हमारा वोवेल्स है, यहाँ हम फिल कर देंगे बॉक्स में ई। यहाँ पे हमारा ए है वोवेल्स, बॉक्स में हम फिल करते जाएंगे। यहाँ पे हमारा आई है, यहाँ पे एम एन ओ ये हमारा वोवेल्स है, एच टी यू ये हमारा वोवेल्स है, यू ये हमारा वोवेल्स कंप्लीट हो गया बॉक्स में। तो ये हमारा हो गया ए ई आई ओ यू, हमारे पांच होते हैं ये वोवेल्स होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द सेम लेटर स्मॉल टू कैपिटल। इस फर्स्ट साइड में हमारा दिया है स्मॉल लेटर और इधर कैपिटल लेटर दिया हुआ है जिसे हमें मैच करना है। जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है तो कैपिटल लेटर हमारा ए हो गया, ई आई एल यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द सेम लेटर इन कैपिटल अल्फाबेट। यहाँ पे कुछ हमारा जैसे यहाँ पे स्मॉल लेटर दिया हुआ है और इस बॉक्स में हमें कैपिटल लेटर फिल करना है। जैसे यहाँ जी दिया हुआ है तो कैपिटल लेटर हमारा जी, आर क्यू टी एच एन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, ज्वाइन द लेटर्स एंड मेक ए वर्ड। यहाँ पे हमारा लेटर्स दिया हुआ है जिन्हें हमें ज्वाइन करके हमें यहाँ फिल करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ जी यू एन, हमारा हो जाएगा गन, जी यू एन गन। यहाँ दिया हुआ बी ओ एक्स, यहाँ हो जाएगा बॉक्स, बी ओ एक्स बॉक्स। यहाँ पे सी ए टी, यहाँ ज्वाइन करेंगे तो कैट हो जाएगा, सी ए टी कैट। यहाँ दिया हुआ पी ई एन, यहाँ हो जाएगा पी ई एन पेन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैच द वर्ड्स टू द पिक्चर। यहाँ पे एक वन साइड हमारा वर्ड्स दिया हुआ है और इस साइड हमारा पिक्चर्स दिया हुआ है जिससे हमें मैच करना है। हमारा ये हो जाएगा कैंडल, काइट, एप्पल, फिश, सीप। ये हमारा मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, राइट ए और एन का। यहाँ पर हमारा कुछ वर्ड्स दिया हुआ है जिन्हें हमें ए और एन का यूज करना है। ए का यूज हम तब करेंगे जब हमारा वर्ड्स ए कॉन्सनेंट से स्टार्ट होगा और ए एन का यूज हम तब करेंगे जब हमारा लेटर वोवेल से स्टार्ट होगा। यहाँ पर एप्पल दिया हुआ है जब हमारा फर्स्ट लेटर हमारा वोवेल से जो हम इसमें यूज होगा ए एन, बी हमारा कॉन्सनेंट है तो यहाँ पर हमारा वर्ड यूज होगा ए, ये हमारा कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे भी ए यूज होगा, ये हमारा कॉन्सोनेंट है तो ए होगा, ये हमारा वोवेल्स है तो ए एन यूज होगा।
ये ऑरेंज है, यहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड हमारा ओ है, तो ये हमारा वोवेल्स है, तो ए एन होगा। ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे जे हमारा कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारा यहाँ पे ए यूज होगा। ये आई हमारा वोवेल्स है, तो यहाँ पे ए एन यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट दिस और डैट। यहाँ पे हमें दिस और डैट का यूज करना है। जैसे दिस तब करेंगे जब कोई भी वस्तु पास होगी तो हम दिस का यूज करेंगे, कोई भी वस्तु जिससे हमें दूर होगी उसे हम डैट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे होगा दिस, E-H-I-S, this is a tree. Tree हमारा पास में है तो हम this का यूज करेंगे। और जैसे हमारा kite दूर है तो हम that का यूज करेंगे। that is a kite, kite हमारा दूर है। जैसे this is a book, book हमारा पास है इसलिए हम this का यूज करेंगे। that is a ball हमारा दूर है। This is a fish हमारा पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैच द अपोजिट वर्ड्स। इधर इस साइड हमारा वर्ड्स दिया हुआ है जिन्हें हमें अपोजिट वर्ड से मैच कराना है। जैसे हमारे यहाँ पे टॉल दिया है तो टॉल हो जाएगा शॉर्ट, बिग है तो हमारा स्मॉल हो जाएगा, कम है तो गो हो जाएगा, मॉर्निंग है तो इवनिंग हो जाएगा, अप है तो डाउन हो जाएगा, और डे है तो नाइट हो जाएगा।